गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल UPS मुकाम से। तो हम लेसन नंबर 2 साइंस का पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन एनिमल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं उनका खाने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या तो वो कुछ एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, और कुछ हैं जो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हर किसी का खाना खाने का तरीका अलग होता है। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मुंह से खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो पानी के ऊपर जो चीज़ें तैरती हैं उनको खाते हैं। ह्यूमंस हैं वो माँ का दूध पीते हैं, और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार करते हैं, और सांप जो होता है वो अपने शिकार को चबा जाता है। ठीक है, फिर हमने स्टार फिश के बारे में पढ़ा था कि स्टार फिश क्या करती है, अपने स्टोमक को बाहर निकालती है, देन फिर वो खाती है जो शेल होते हैं, जो जैसे स्नेल वगैरह होते हैं उनको खाती है, फिर उनको अंदर ले लेती है, फिर स्टोमक अपना अंदर ले लेती है, उनको धीरे धीरे डाइजेस्टेड करती है, उनको पचाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे खाते हैं और पचाते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, सबको पता है कि हम खाना किससे खाते हैं, मुँह से खाते हैं, हम माउथ से खाना खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उस खाने को हमने मुंह के अंदर डाला, फिर उसे हम पचा देते हैं और हमारे शरीर में वो जज्ब हो जाता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड मीन डिस्चार्ज। देखो, तुम्हारे शरीर, हम खाना खाते हैं, जितना खाना हमारे शरीर को ज़रूरत होता है वो ग्लूकोज बन के हमारी पूरी बॉडी में दौड़ जाता है, लेकिन जो खाना बचा जिसका हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, Have you ever wondered what happened to the food inside the body? कि कभी आप हैरानगी से सोचते होंगे कि जब खाना, हम कोई फूड खाते हैं, सॉलिड फूड भी खाते हैं, लिक्विड फूड भी खाते हैं, तो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका क्या बनता होगा, कैसे क्या होता होगा उसका बॉडी के अंदर। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टीन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो फूड है वो कॉन्टीन्यूसली जो है हमारे अंदर पासिस होता है, माउथ से लेकर एब्डोमेन से लेकर स्टोमक तक, जब खाना, और जब खाना जो बाहर निकलता है इसकी पूरी एक प्रोसेस होती है, जिसे हम कहेंगे कंटिन्यूस कैनाल कॉल एलिमेंट्री कैनाल। फिगर 2.2 की देखिए, माउथ से खाना जाता है, पूरा जाता है नीचे सब, यहाँ आता है, यहाँ से होके, यहाँ से होके, देन फिर आपको यहाँ से एनस से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, विच बिगन्स एट द ब्यूकल कैविटी एट एंड्स एट द एनस। ठीक है, हमारा जो खाना पास होता है हमारे मुंह में जाता है, उसके बाद वो कहाँ, एक उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, जो कहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारे ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस से ख़त्म होता है। ब्यूकल कैविटी हो गया ये, देखिए यहाँ से हमने खाना खाया मुँह में, ये हमारा अंदर का सिस्टम है सारा, यहाँ से हमने खाना खाया, यहाँ से हमें खाना हमारे मुँह के अंदर गया, ब्यूकल कैविटी, यहाँ से होता होता यहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर स्टोमक है, फिर ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो खाना वेस्ट बच जाता है, ठीक है, जो खाना हमारी जितना हमारी बॉडी में यूज़ होता है वो ग्लूकोज बन गया, जो यूज़ नहीं हुआ बचा हुआ खाना वो हमारे वेस्ट मटीरियल से होकर एनस से वो बाहर आ जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनाल है मीन्स जो जहाँ हम मुंह से अंदर खाना लेते हैं, वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, द माउथ और द ब्यूकल कैविटी। ठीक है, माउथ ये मुंह है और यह है ब्यूकल कैविटी, तो इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, हमारा जो कैनाल है, जो माउथ है, उसमें वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक माउथ है और एक ब्यूकल कैविटी है। फूड पाइप, देखिए ये हमने खाना खाया फूड पाइप से, ये खाना हमें अंदर चला गया, इसको हम क्या कहते हैं, ऑसोफेगस भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसे हम ऑसोफेगस भी, देखिए हमारे अंदर भी जैसे हम गैस की पाइप होती है ना, उससे गैस ट्रांसफर होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक फूड पाइप होती है जिससे खाना हमारे स्टोमक तक जाता है, उसे हम कहते हैं ऑसोफेगस। जो खाना हम खाते हैं वो हार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है, फिर सेलिवरी ग्लैंड्स, उसमें जब हमारी थूक होती है वो मिक्स होती है, जूस निकलता है उसमें, वो मिक्स होता है, देन खाना जो है वो हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो खाना हमारे स्टोमक में जाता है, देन फिर हमारा ओसोफेगस से वो खाना स्टोमक में चला गया। ठीक है, स्टोमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में,
लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग मतलब लास्ट में क्या बच गया हमारा एनस। फिर खाना है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से खाना जाके फूड पाइप से होता हुआ ऑसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में गया, स्टोमक से होता हुआ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देन फिर एनस से बाहर आ गया। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव। एक कैनल बनाते हैं, एक चैनल बनता है पूरा, कैसे मुंह से खाना खा के सीधा वो जाता है स्टोमक तक, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होकर फिर वो एनस से बाहर जाता है। तो ये सारा हमारा क्या है, एक एलिमेंट्री कैनल जिसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक। खाना पचता है, ठीक है, मुँह में डाला खाना हमने, सेलिवरी ग्रैंड से सलीवा निकलता है हमारे खाने में मिल जाता है, देन वो हम खाना चबाते हैं, खाना छोटा छोटा खाना भी हमारे वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक में हमारा खाना जो ग्लूकोज बन के फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और जब खाना जो हमारा हमें जितना जरूरत है हमने ले लिया, जो बचा हुआ खाना होता है एक्स्ट्रा खाना जो होता है वो हमारे एनस से बाहर आ जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द कंपार्टमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैन, इन कैनाल से होके हमारा खाना जो है वो पास होता है, ऑसोफेगस से फिर स्टोमक, स्टोमक से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन फिर हमारा चला गया वो एनस से बाहर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।